हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ बीर का अचार। देखिएगा आप लोग, मैं आप लोग को बीर का अचार बनाना दिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं सूखा हुआ बीर को गर्म पानी में फुलाने के लिए रख दी हूँ। इसको गर्म पानी में रख दी हूँ फुलाने के लिए। उसके बाद ये सब का डंटी जो है छोटा छोटा, इसको को हटाएंगे। इस सबको हटा फेंक देना है। देखिए, इसको ये अभी सूखा हुआ बेर है, इसीलिए इस तरह जब ये बेर फूलेगा गर्म पानी में तब ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का। बहुत अच्छा लगता है गाइस। अभी हम लोग इसको, ये जो डंटी है छोटा छोटा, इसको हम हटा देंगे। ये सबको हटा देंगे और थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे पचका देना है, ऐसे हल्का हल्का। तब इसके अंदर जो गुड़ का हम लोग सीरा बनाएंगे वो इसके अंदर जाएगा, तब अच्छा लगेगा खाना। ये डंटी जो है, देखिए इसको ऐसे हटा के थोड़ा इसका मुंह खोल दीजिएगा, अंदर गुड़ का जो सीरा अंदर घुसेगा। देखिए, इसका मसाला बनाने के लिए देखिए, पहले मैं सूखा मिर्चा, ये सूखा मिर्च दे दूंगी। ये 5 फोरन, जीरा, धनिया, ये सबको मैं भूजूंगी। ब्राउन नहीं होगा तब तक हमको भूनना है। देखिए, मेरा मसाला भुना है। अब मैं इसका सीरा बनाने के लिए मैं पानी, थोड़ा सा पानी दे दी हूँ। अब मैं इसमें गुड़ दे दूंगी। ऐसे गुड़ को तोड़ के दे दीजिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक दे दूंगी। ताकि ये खट्टा मीठा मेरा अचार बने। थोड़ा नमकीन अच्छा लगता है गाइस, हल्का मीठा हल्का नमकीन। हल्का खट्टापन जब अचार में आता है ना तब ज़्यादा मज़ा आता है। Thank you.
इसमें देखिए सब बेर को डाल दूंगी। इसको चलाते रहूंगी जब तक ये सूख ना ले। अब मैं इसे इसमें पिसा हुआ सब मसाला डाल दूंगी। मेरा बेर का देखिए गाइस, मेरा अचार बेर का अचार कंप्लीट हो चुका है। देखिए कंप्लीट हो गया है। अभी मैं इसको 5-10 मिनट जैसा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद एक जार में भर के रख दूंगी। देखिए मेरा कंप्लीट हो गया ये बेर का अचार। कितना खूबसूरत कलर आया इसका। खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। देखिएगा ऐसे ही आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिएगा मेरा रेसिपी।